इमाम खुमैनी फरमाते थे, बाज़ लोग इमाम से कहते थे ना कि लोग थक गए हैं, जंग से थक गए हैं, फला आदमी फला काम से थक गया है, तो इमाम ये फरमाते थे कि अगर तमाम में दुनिया रबे गर्दीद खस्ते तर अजमन पैदा नमी कुनी, सारी दुनिया घूमो मुझसे ज्यादा थकन वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उस थकन को अपने ऊपर गलबा पाने नहीं दे रहा। मैं इस बुढ़ापे में थकन है मुझ में भी, लेकिन ये थकन मुझे मकलूब नहीं कर सकती। मैंने थकन को थका दिया है, मैंने थकन को थका दिया। और ये नारा इमाम ने ही सिखाया था लोगों को कि जब तुम में थकन हो तो समझ लो इरादे सुस्त हैं, कोशिशें अधूरी रह गई हैं, तवानाइयां आप सारी सर्फ नहीं कर रहे हो। इमाम फरमाते थे दुश्मन को थकाओ, खुद ना थको। वो जिद्दी नहीं है जो खुद थक जाए, जिद्दी वो है जो दुश्मन को थका दे। आज देखो हमास इतना कुछ कत्ल और गारत के बाद थका हुआ कौन है? हमास में कोई एहसास थकन का नहीं है, फलस्तीन की औरत और बच्चे में थकन का एहसास नहीं है, लेकिन इसराइल थक गया है, सहयूनियत थक गई है, अमेरिका थक गया है, उनके हामी थक गए हैं, अब थकन उनके ऊपर गालिब है। ये इमाम ने जवानों को बताया था कि दुश्मन को थका दो, दुश्मन को खस्ता कर दो। लिहाजा वो जवान जब ज्यादा तवानाइयां सर्फ करते थे और उनके चेहरों पर थकन के आसार होते थे तो उनके कमांडर और राहबर उनसे ये नारा लगवाते थे, वही जो आपने भी सीखा लेकिन भूल गए और कभी कभी आप उसको दोहरा देते हो विर्द की हद तक, लेकिन अमल में नहीं लाए हो पाकिस्तानी। ये थका कौन? वो जवाब देते थे दुश्मन। थका दुश्मन है। दुश्मन कौन है? दुश्मन अमरीका है। ये किसने कहा है कि दुश्मन अमेरिका है और थका अमेरिका है? ये इमाम ने कहा है, खुमैनी ने कहा है। और खुमैनी कौन है? बहुत चिकन। ये इमाम ने बताया था उन जिद्दी लोगों को, उन जिहादी लोगों को, उन मुजाहिदीन को जो नुसरत इमाम के लिए मैदान में आए, और इमाम ने फरमाया कि इस मैदान में थकन नहीं होनी चाहिए, इस मैदान में थकन नहीं होनी चाहिए। अगर थक गए तुम, जिद गई तुम्हारी, खत्म हो गई, जिद का रुकन मुनहदम कर दिया तुमने। और आप बताओ, करबला के शुहदा में से कोई थका हुआ था?